नमस्कार, मैं हूं विद्या और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में आईपीएल में अब पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैचों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर सियासत रंग ले रही है। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैचों को लेकर बीजेपी और शिवसेना की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मैच पानी की बर्बादी है। ऐसे में जब महाराष्ट्र के कई जिले सूखे का सामना कर रहे हैं, तो क्यों मैदान पर लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि आईपीएल जो है वो एक व्यापारिक और एक बिजनेस से जुड़ा हुआ और एक कहीं ना कहीं जो है कॉमर्शियल प्रोग्राम है। वहाँ की जो एक इस वक्त प्राकृतिक आपदा है और लोग इससे प्रभावित है, उस प्रभावित लोगों को मदद की बात की गई है, तो इसमें बुराई नहीं। सूखे में पानी की बर्बादी के आरोप लगाकर आईपीएल के वानखेड़े मैदान में होने वाले मैच रद्द करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस और आईपीएल इसे बेवजह की सियासत करार दे रहे हैं। इस तरह का विरोध करना मैं समझता हूँ इस देश के अंदर क्रिकेट के प्रति एक लोगों में एक बहुत दिलचस्पी है और खेल के प्रति लोगों को काफ़ी उसका रुझान है, तो ऐसे खेल को रोकना मैं समझता हूँ कि क्रिकेट प्रेमियों के साथ एक तरह से नाइंसाफी होगी। दरअसल 9 अप्रैल से 15 मई तक वानखेड़े में 8 मैच होने हैं और शिवसेना और बीजेपी का विरोध यदि जोर पकड़ता है तो इन मैचों में दिक्कत सामने आ सकती है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के एमसीए वीसीए समेत बाकी फ्रेंचाइजियों को 2010 के आईपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को बकाया करीब 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। लगभग 8 करोड़ 40 लाख की धनराशि गवर्नमेंट को मिलना बाकी है, तो आज जस्टिस खानविलकर साहब और बंगाले साहब ने जो ऑर्डर की है उसमें ऐसा जताया है कि ये जो रकम है जो अगली तारीख है 18 अप्रैल उसके पहले ये रकम भरनी चाहिए। कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल है। कोर्ट ने कहा कि अगर फ्रेंचाइजी ये रकम नहीं चुकाते हैं तो सरकार उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में आज शाम आरबीआई दफ्तर के बाहर एयरगन से हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया।